नमस्कार दोस्तों, एनके पंचम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एक ऐसा जुगाड़ बनाया है जिसकी मदद से अपने जो दरवाजे होते हैं उसके ऊपर लेमिनेट या वीनियर लगा रहता है, उसको हम बड़े ही आसानी से साफ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे कटर मशीन के थल लग रखी है इस थल को निकाल लेते हैं और इसमें एक नई थल लगा लेते हैं। तो इसमें जो स्क्रू लग रखे हैं इसको खोल लेते हैं। हमने एक थल काट रखी है, इसके दोनों तरफ लेमिनेट लग रखा है और इसकी साइज की बात करें तो ये 9 इंची चौड़ी है और 13 इंची लंबी है। जब अपन को गेज पट्टी वाली थल बनानी रहती है तो ये लेंथ में ज़्यादा लंबी रहनी चाहिए, लगभग 12-13 इंची होनी चाहिए। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो अपनी पुरानी वाली थल है उसको हम नई थल के ऊपर रख कर और जो अपने पहले से स्क्रू लग रखे थे उसी निशान को हम उसी खड्डे से निशान कर लेते हैं, ताकि जब अपन हॉल करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से उसी स्क्रू पे ये लग जाएगा। तो हमने ये चारों निशान कर लिए हैं। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसमें एक सूत वाले बिट से हॉल निकाल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमने इसके चार हॉल निकालनी है और अब हम क्या करने वाले हैं, इस हॉल के ऊपर गोर्जस कर देते हैं ताकि जो अपने स्क्रू की मत्था है वो इस प्लेट के लेवल से हो जाए। तो अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ से 1-1 इंची छोड़कर और इसमें लगभग 1.5 सूत की एक झरी निकाल लेते हैं, जिससे अपनी जो गेज पट्टी है उसको इधर उधर सेट करने में आसानी हो जाएगी। तो हम इसको निकालने वाले हैं रूटर मशीन की मदद से। जैसे कि दोस्तों, हमने इसके दोनों साइड ग्रुप निकाल लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक 1.5 इंची बाई 1.25 इंची की पट्टी है और इसमें हमने 1/2 इंची बाई 2 सूत की एक पेतम बना रखी है। तो हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इस प्लेट के नीचे रख कर और यहाँ पे दो निशान ले लेते हैं। अब दोस्तों, हम इसके अंदर 1.5 सूत वाला बोल्ट डालने वाले हैं, 2 सूत वाले बिट से इसमें हॉल कर देते हैं ताकि जो अपना नट बोल्ट है वो इसके अंदर आराम से फिट हो जाए। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस बोल्ट को इसके अंदर डालकर और वापस से हथौड़ी की मदद से इसको ऐसा पंच टाइप का कर देंगे ताकि जो इसके चौरस निशान है वो इस पट्टी के ऊपर आ जाएंगे और वापस से हम इस लकड़ी को खोद कर और इसका जो मत्था है इस लकड़ी के अंदर धंसा देंगे। जैसे कि दोस्तों, हमारी ये थल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, वापस से इसको स्क्रू की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसके अंदर कटर ब्लेड डालने वाले हैं। तो हमारे पास अवंजा कंपनी के 4 पीस हैं और ये चारों ही पीस अलग अलग दांते में है, जैसे कि 16 दांते का है, 30 का है और एक 40 का है, एक 48 का है। और आज के इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि कौन सा कटर ब्लेड किस काम आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 30 दांते वाले को खोल कर और इस कटर ब्लेड के अंदर डाल लेते हैं। दोस्तों, अवंजा कंपनी के कटर ब्लेड की खास बात यह है कि इसमें लेजर से कटिंग की हुई है। इसके कारण से क्या होता है, जो अपना कटर ब्लेड है वो कंपन नहीं करता है, और जब कटर ब्लेड में कंपन नहीं होता है तो हम जब प्लाई या लकड़ी को काटते हैं तो बड़े ही फिनिशिंग से कटिंग हो जाती है। दोस्तों, हम इस कटर ब्लेड को इसके अंदर टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से और वापस से इसके जो नट बोल्ट है इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस कटर मशीन को चालू करके इसका जो ब्लेड है इसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं। दोस्तों, जो अपने अवंजा कंपनी का 16 तीत वाला कटर ब्लेड है इससे हम हार्ड लकड़ी को कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि देसी बमूल होता है या साल की लकड़ी होती है, उसमें अपन ये 16 दांते वाले इस कटर ब्लेड को यूज करके और उसको कटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गुनिया रख के इसको निशान कर लेते हैं और वापस से जो अपनी कटर मशीन से इसको काट लेंगे ताकि अपन को गेज का पता चल जाए कि अपना जो कटर मशीन का गेज है वो कितना चल रहा है।
तो जैसे कि दोस्तों अपना ये 1 इंची से हल्का सा तेज है, तो हम इस पे हल्का सा एक घिस्सा लगाकर और इसको प्रॉपर 1 इंची कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप अवंजा कंपनी के कटर ब्लेड खरीदना चाहते हो तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर खरीद सकते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें 48 दांते वाला जो कटर ब्लेड है इसको हम इसके अंदर टाइट कर लेते हैं और उसके बाद हम इससे लेमिनेट को कटिंग करेंगे और देखते हैं ये कितनी फिनिशिंग से लेमिनेट की कटिंग करता है। अब दोस्तों हमने जो एक गेज पट्टी बनाई है तो इधर से हमको जो चौरस पट्टे काटने रहते हैं तो इसको हम इधर की तरफ रख कर और नीचे की तरफ से एक वाइसर डाल के और ढेबरी को टाइट कर देते हैं। जितने अच्छी के अपन को पट्टे चाहिए उस जगह पे इस गेज को सेट करके और इससे बड़ी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास एक लेमिनेट लगा हुआ 12 mm का पीस है तो हम इसी के ऊपर कटिंग करके देखते हैं क्या इसमें किपची आएगी या नहीं आएगी। देखिए दोस्तों इसमें बिल्कुल भी किपची नहीं आई है क्योंकि इसमें जो अपन ने कटर ब्लेड यूज़ किया है वो 48 दांते वाला किया है, इसके कारण से ये माइका को भी बड़ी फिनिशिंग से कटिंग कर सकता है। दोस्तों हम इस पल्ले की माइका और बीनियर की सफाई करने वाले हैं और वैसे अगर इसको हम रद्दे से साफ करते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो हमने गेज पट्टी बनाई थी तो इसी को हम ऐसे उल्टा घुमा कर और वापस से इस कटर ब्लेड के यहाँ पर ले जाकर और इसको इस जगह पर सेट कर लेंगे ताकि ये जो कटर ब्लेड का दाता और ये पट्टी ये एक लेवल से हो जाए और हल्का सा ये कटर ब्लेड का जो दाता है हल्का सा डाउन की तरफ रहे तो ये अपनी जो माइका या बीनियर इससे बड़े ही आसानी से इसको साफ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने इसकी गेज पट्टी को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है और जैसे ये माइका बाहर है तो हम सबसे पहले इस माइका को ही साफ करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है और इसमें हल्का सा माल बचा है, इसको हम रद्दे की मदद से साफ कर लेंगे और मेरे को लगता है कि अगर इसको हम रद्दे से साफ करते तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।